अक्सर समाज में आप ये सुनते होंगे, वो बहुत भोला है भाई, इतने भोलेपन के कारण ही तो लोग से ठगते हैं। भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज मूर्ख होने की निशानी बन गया है। जो सरल नहीं होता, लोग उससे बचकर रहने की सलाह और भोले लोगों को दुनियादारी या चालाक चतुर बनने की सीख देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या वो मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? भोलापन अर्थात सब कुछ भूल जाना। जो भूलेगा वही भोला होगा, और भूलने के लिए मन का निर्मल, सरल, इन दोनों का होना आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर पल लोभ लाभ का गणित चलता रहेगा वो भोला हो ही नहीं सकता। भोला केवल वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और सम्मान का भी भूला रहे, यानी समाज में मान मिले या सम्मान, व्यक्ति उसे भुलाकर अपना कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति ये बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है।